मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस ने रैली निकाली। कांग्रेस रैली के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा की विफलताएं और अधूरे वादे गिनाए, साथ ही किसानों को एमएसपी पर भुगतान न करने पर भी सरकार को घेरा। नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयान का भी इस दौरान विरोध किया गया। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और किसानों के साथ ट्रैक्टर जुलूस निकाला। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से अविलंब पूरा करने की मांग की है। बता दें कि रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कटनी कांग्रेस प्रभारी और महिला कांग्रेस नेत्रियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई। कटनी से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आज जो न्याय यात्रा निकली किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है ये प्रदर्शन किया गया है, ट्रैक्टर रैली निकाली गई है और जो हमारी मांगे हैं, जो MSP अभी जारी की गई है वो अभी 2100 रुपये गेहूँ की है, धान की 2350 रुपये है, जबकि बीजेपी सरकार चुनाव के पहले वादा किया था कि हम धान 2100 रुपये खरीदेंगे और गेहूं 2700 रुपये खरीदेंगे, लेकिन इनके द्वारा छलावा किया गया किसानों से। आज हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ इनके मंत्री जवान काटने की बात करते हैं और इनके जो भी विधायक लोग हैं वो भी उल्टपटांग बात करते हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता के लिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये हमारी रैली निकाली गई थी। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिले पे जिला अध्यक्ष करण सिंह चौहान, प्रभारी हमारे वीरेंद्र द्विवेदी जी के साथ पूरी चारों विधानसभा से लोगों ने, 8 ब्लॉक के लोगों ने आज इस ट्रैक्टर रैली में भाग लिया है। मुख्य बिंदु है कि आपने हर वर्ष, हर पांचवें वर्ष में आप झूठ बोल के आते हो और सत्ता पा जाते हो, लेकिन जो आपने सत्ता में कहा था कि हम 3100 रुपये धान का देंगे, 2800 रुपये गेहूँ का देंगे और 6000 हम जो है सोयाबीन की मांग कर रहे हैं उसको लेकर, राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी हुई है उसके खिलाफ पूरा देश आक्रोशित, जो देश को प्रेम करते हैं वो सभी दुख हैं, आक्रोशित हैं। किस तरह की भाषा, ये जो गोडसे की भाषा इन लोगों ने बोला है वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता। जिला कांग्रेस कमेटी गठन द्वारा आज किसानों की मांगों को लेकर किसान है यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जो ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमतें बढ़ाने के लिए है, चाहे गेहूं की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसी प्रकार जो बिजली के बिल हैं इनको निरस्त करने की, जो FIR भी किसानों पर इसको निरस्त करने की, और जो राहुल गांधी में आखिर वाली टिप्पणी है उस टिप्पणी को के खिलाफ FIR दर्ज कराने की, इन किसानों के हित के और अन्य मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है।